वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। मेरा नाम है उस्मान और आज हमारे सामने है ग्रैंड विटारा। बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे हमको एक स्मार्ट हाइब्रिड और एक माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट मिल रहा है। सो ये हमारे सामने स्मार्ट हाइब्रिड टॉप वेरिएंट है जिसमें आपको फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल रहा है। सो इसके स्पेक के बारे में बात करेंगे। इंजन ऑप्शन में हमको क्या स्पेक मिल रहा है, ऑलरेडी आपने देख लिया होगा के सीरीज़ का जो इंजन आता है इनका 1.5 लीटर का, वही इसमें दिया जाता है। यहाँ पर इसकी कीज़ की बात कर ली जाए तो कुछ ऐसी कीज़ आपको मिल रही है टिपिकल मारुति सुजुकी स्टाइल की। यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है और यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी और ये पूरा पियानो ब्लैक में दिया गया है। इसके फ्रंट की बात की जाए तो एज़ यू नो ये सेम प्लेटफॉर्म पे आ रही है, ब्रिजा वाले प्लेटफॉर्म पे, और उसी पे आपको हाई राइडर और यहाँ पे ये ग्रैंड विटारा भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसके लुक्स जो हैं वो काफ़ी अलग रखे गए हैं। आप इसके फ्रंट की बात कर लो या रियर की बात कर लो, हाँ साइड में अगर आप देखते हो तो आपको काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ लग जाएंगी हाई राइडर और इसमें, बट फ्रंट और रियर में टोटली चेंज है। यहाँ पे कुछ रिजेम्बलेंस आपको एस क्रॉस से भी मिल जाएगी जो कि ग्लोबल लॉन्च हुआ था, उसमें काफ़ी कुछ इसी टाइप का क्रोम आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका स्मार्ट हाइब्रिड का टॉप वेरिएंट है जिसमें आपको सबसे पहले फ्रंट में काफ़ी क्रोम वर्क देखने को मिल जाएगा, सुजुकी की ब्रांडिंग, और इसके नीचे ही आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा मिल रहा है। तो इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा का सपोर्ट मिलता है। ये आपकी आ जाती है इसकी DRLs और यहाँ पे ये सेम टर्न इंडिकेटर का काम भी करती है। नीचे आपका आ जाता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो कि काफ़ी ब्राइट है और यहाँ पे इनको फॉग लैम्प की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ क्लेम है यहाँ पे मारुति सुजुकी का। बोनेट हुड हमने ओपन कर लिया है। इंसुलेशन वर्क मुझे यहाँ पे काफ़ी सही लगा, फुल ऊपर की साइड और बैक साइड में इंसुलेशन से कवर्ड किया है। यहाँ पे आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 103 PS की पावर एंड 136 NM ऑफ टॉर्क, और इस साइड पे आपको एक साइड की बैटरी मिल जाएगी। नीचे का जो पूरा पार्ट है ये कवर्ड मिलेगा, ये हमने हाई राइडर में भी देखा था, तो कुछ ये सेटअप आपको इसका मिल रहा है। और जो इसका माइल्ड हाइब्रिड है वहाँ पर आपको जो कंपनी क्लेम करती है 27 to 28 KMPL की एवरेज, लेकिन उसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इसके प्राइस की अगर बात करें तो ऑफिशियली अभी कोई भी प्राइसिंग बाहर नहीं है ये, बट अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग जो इसकी प्राइस रहेगी वो 10 लाख की रहेगी, और जो टॉप वेरिएंट इसका जाएगा जीटा जो कि ईवी वाला भी होगा, मतलब ईवी और पेट्रोल का जो मिक्सचर है, वो टचिंग 18 लाख तक का जा सकता है एक शोरूम। साइड्स की अगर मैं बात कर लूँ डायमेंशन वाइज ये काफ़ी सही रखी गई है। यहाँ पे साइड पे आपको इसकी डायमेंशंस दिख जाएंगी। जो व्हील बेस है वो 2.6 मीटर्स का रखा गया है, ग्राउंड क्लियरेंस अभी स्पेसिफाई नहीं किया ब्रांड ने, बट यहाँ पे देखने में लग रहा है अप्रॉक्सीमेटली 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस या 190 mm का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऑल फोर व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और यहाँ पर मैं आपको इसके व्हील्स का डिज़ाइन दिखा दूँ। अलॉय व्हील है, देखने में काफ़ी ज़्यादा सही है, अपोलो के व्हील्स आपको मिल रहे हैं। इनका टायर सेक्शन है 215/60R17, और यहाँ ORVM की बात कर लूँ तो पियानो ब्लैक में मिलता है, साथ में इसी पे आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है। नीचे की साइड यहाँ पे भी आपको कैमरा मिलता है, तो जो कैमरा का व्यू कैसा क्या मिल रहा है वो मैं आपको अंदर चल के दिखा दूंगा। पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है जो कि मारुति अपनी कार में फर्स्ट टाइम प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पर इसके रियर सेटअप की बात की जाए तो रियर वाइपर डिफॉगर तो आपको मिल ही रहा है, उसके अलावा जो लाइट का डिज़ाइन है वो काफ़ी अलग मिलता है हाई राइडर से। हाई राइडर का काफ़ी कुछ मैच करता है ग्लैंजा के साथ, बट इसका जो लाइट सेटअप है वो बिल्कुल अलग मिल रहा है। यहाँ पे आपको ग्रैंड विटारा की बैजिंग मिल जाती है, बीच में सुजुकी की यहाँ ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पर दिख रहा होगा ये पार्ट थोड़ा अलग लगता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये बड़ी सी लाइट मिल जाती है, स्प्लिट लाइट है, ये पार्ट आपका बॉडी के साथ लगा हुआ है और ये आपका लग जाता है बूट स्पेस के साथ। ओवरऑल जो इसकी बैक की लुक है वो कुछ ऐसी लगती है, काफ़ी सही लग रही है मुझे बैक से दिखने में। और यहाँ पे ये हमारा है स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट जिसमें आपको ऑल ग्रिप की बैजिंग मिल जाएगी। ऑल ग्रिप मतलब ये आपका फोर व्हील ड्राइव के साथ अवेलेबल हो जाता है। साथ में यहाँ पे आपके टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, ये रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, और मैं यहाँ नीचे एक चीज़ आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अलग से एक्सेल मिल रहा है जिसकी वजह से ये बन जाता है फोर व्हील ड्राइव और इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। अंदर आपको मोड मिल जाएगा, ऑटो में रखोगे तो ये अपने आप सेंस करके एज़ पर कैसी टेरेन पे आप चल रहे हो तो उसके हिसाब से ये टू व्हील और फोर व्हील में शिफ्ट कर जाएगा। फोर व्हील में क्या होगा कि जो पीछे वाले एक्सेल है उसमें भी ये इक्वली टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो फोर व्हील और जो टू व्हील ड्राइव है उसमें एक ही डिफरेंस आएगा, एक तो फोर व्हील का डिफरेंस आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पे जो माइलेज है टू व्हील ड्राइव में वो आपको मिल जाती है अप्रॉक्सीमेटली 20 जो कंपनी क्लेम करती है, और फोर व्हील ड्राइव में थोड़ी सी कम मिलेगी 19 के आसपास। ओपन करते हैं इसका बूट स्पेस और यहाँ भी आपको दिख रहा है कैमरा, सो रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया जाता है। बाकी ये आपको कुछ बूट स्पेस मिल जाती है जो कि काफ़ी सही मिल रही है,
अगर आप माइल्ड हाइब्रिड लेते हैं तो वहाँ थोड़ी सी बूट स्पेस को कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी लगी गई है तो उसमें थोड़ा सा ऊंचा आपका ये बूट की जो सरफेस आ जाती है वो आती है। बाकी ये आपको 60-40 में स्प्लिट सीट मिलती है, साथ में यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है डीप डाउन, और इस साइड पे भी मिल जाती है। तो एक ग्रोसरी हुक यहाँ पे दिया गया है, दूसरी साइड आपको मिल जाता है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पे बूट लाइट दी गई है। बाकी इसको उठा देता हूँ ऊपर। तो स्टील रिम में आपको स्पेयर व्हील मिलेगा जो कि फुल साइज़ का दिया गया है 17 इंचेस का, जो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। बाकी टूल्स वगैरह आपको यहाँ पीछे मिल जाएंगे। चलते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर की इंसर्ट मिल जाता है कुछ इतनी, यहाँ पे आपको डोर ओपनिंग मिलेगी, ड्यूल टोन में आपको इसका डोर मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये लेदर राइट फिनिश मिल जाएगी स्टिचिंग के साथ, ऑल फोर पावर विंडोज़ के बटन वन टच डाउन के साथ मिलता है, लॉक अनलॉक चाइल्ड सेफ्टी और ORVM के कंट्रोल्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं। अनलॉक हैंडल आपको यहाँ पे क्रोम में दिया गया है। और अगर सीट्स की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको 8-way मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ दिया जाता है, जिसमें यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको ड्राइवर साइड दिया गया है, और को पैसेंजर साइड आपको 6-way मैनुअल के साथ मिलती है। अब अंदर चल के बैठ जाते हैं। तो ये हमारा टॉप वेरिएंट है स्मार्ट हाइब्रिड का। सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूंगा क्या चीज़ नहीं मिल रही है जो कि आपको माइल्ड हाइब्रिड में मिलती है। तो हेडसअप डिस्प्ले आपको नहीं मिलता, ये आपको एनालॉग और डिजिटल में मिल जाती है, जबकि उसमें आपको फुल डिजिटल में दी जाती है। यहाँ पे आपको उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स और ड्राइविंग मोड्स वगैरह मिल जाएंगे। तो इसमें ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं लेकिन वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन यहाँ नहीं है। बाकी लगभग सेम है, वायरलेस चार्जिंग भी इसमें नहीं मिलता, उसमें मिलता है। तो स्टेयरिंग की बात की जाए सिमिलर है, ये आपके आ जाते हैं क्रूज़ कंट्रोल और वहाँ पे MID के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स आ जाते हैं। 9 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले दी जाती है, कॉल कट एंड रिसीव वॉइस कमांड के बटन आ जाते हैं। जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ आ जाता है। एंड एक और चीज़ है जो माइल्ड हाइब्रिड है, यहाँ पे ब्लू कलर दिया गया है जो स्टार्ट स्टॉप का बटन है, उसके साथ में यहाँ पे आपका व्यू बटन आ जाता है जो 360 व्यू सपोर्ट करता है, हिल होल्ड और हिल डिसेंट मिल जाता है, हेडलाइट लेवलर आपका यहाँ पे आ गया। बाकी 9 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले दी जाती है जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल का प्ले दिया जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ हैज़र्डस स्विच आ गए, यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ गया जिसकी डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाती है, ये सारे AC के कंट्रोल्स आ गए। नीचे आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन दिए जाते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और एक USB पोर्ट दिया जाता है, स्पेस दी जाती है कुछ और सामान रखने के लिए। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आ रही है, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन अवेलेबल है जो कि सिर्फ 6 स्पीड में मिल जाएगी। ये आपको नॉब मिल जाती है जिससे आप स्नो मोड स्पोर्ट्स मोड में शिफ्ट कर सकते हो इसके जो ड्राइविंग मोड्स आते हैं, और एक पुश का बटन आता है ऑटो पुश, इसको प्रेस करते ही गाड़ी अपने आप 2-wheel drive और 4-wheel drive में चेंज हो जाती है, और इस MID में ये जो भी आप मोड आ रहे हो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। साथ में 4-wheel drive का भी जब आप एंगेज करते हो तो यहाँ पे वो चीज़ भी डिस्प्ले हो जाती है। साथ में यहाँ पे आपको एडजस्टेबल आर्मरेस्ट दिया गया है जिसके बीच में आपको डिसेंटली स्पेस मिल जाती है, उसके साथ ही यहाँ पे आपका IRVM आ जाता है, ऑटो डिमिंग के साथ अवेलेबल है, सनग्लास होल्डर आपका आ जाता है, और ये कैमल लाइट्स दी गई है रीडिंग लाइट्स येलो कलर की, साथ में आपका ये पैनारोमिक सनरूफ आ जाता है जिसका बेनिफिट है 2 मोटर्स इसमें लगी है, आगे वाला ग्लास पीछे जाता है, उसके साथ साथ पीछे वाला ग्लास भी पीछे को हो जाता है, तो काफ़ी यूजेबल रहता है वो और स्पेस प्रोवाइड करता है। साथ में यहाँ पे आपके आ जाते हैं सन ब्लाइंड्स, और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर दिया गया है ड्राइवर साइड और को पैसेंजर दोनों साइड पे, और साथ में वैनिटी लाइट्स भी आपको दोनों साइड पे प्रोवाइड हो जाती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलते हैं गाड़ी के रियर साइड्स पे, और अंदर आते ही यहाँ पे आपको ये टॉप वेरिएंट है तो इसमें लेदर राइट सीट सारी मिल जाती है। अंदर बैठ कर दिखा देता हूँ, तो पहले भी मैं इसमें बैठ चुका था, सीट कम्फर्ट मेरे को यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है। डोर क्लोज करते हैं तो कैसा थ्रेड क्या मिल रहा है वो आप यहाँ पे मेरे को बता सकते हैं। बाकी ये ड्यूल टोन में इसका पूरा डोर दिया गया है, यहाँ पे ये डार्क ये मरून टाइप का दिया गया है, लेदर फिनिश दी गई है, और यहाँ पे लेदराइट दिया गया है, और यहाँ पे स्टिचिंग मिल जाती है। ये क्रोम में दिया गया है, यहाँ पे पियानो ब्लैक के टचेस दिए गए हैं, पावर विंडो का बटन दिया गया है, और ये आपकी आ जाती है यहाँ पे लेग रूम नी रूम कुछ ऐसी मिल जाती है। पीछे आप कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे, अंडर थाई सपोर्ट भी मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल रही है, और यहाँ पे आपको एक मैप पॉकेट मिल रहा है जो कि दोनों साइड पे मिल जाएगा, दो लोग तो यहाँ कंफर्टेबल बैठ जाएंगे, तीसरा भी कितना कंफर्टेबल बैठता है वो देखना पड़ेगा। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको ये रिक्लाइन एंगल के साथ मिलती है जो फर्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना डिफरेंस दोनों में आ रहा है। तो ये एक एंगल है और इसको आप और कर लोगे तो ये और पीछे चले जाती है, थोड़ा बहुत और कंफर्ट ऐड करती है आपके बैठने में। बीच में जो ये ब्लोअर्स दिए गए ये थोड़ा पीछे दिए गए, मतलब जो यहाँ बैठेगा हो सकता है उसकी नीज़ में ये लगे, ये थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस मुझे लगी यहाँ पे। टनल है थोड़ा बहुत ज़्यादा भी नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स, इसको क्लोज़ करते हैं। ऊपर की साइड आपको यहाँ पे रीडिंग लाइट्स मिल जाती है जो कि येलो कलर की, आगे भी दिख रहा होगा आपको सारी येलो लाइट्स, और जो कस्टमर आता है वो लाइट खुली छोड़ देता है।
इसलिए इसकी बैटरी भी डाउन हो गई थी, तो अभी हमको इसको ऑन करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे दोनों साइड पे, और इस साइड पे आपको मिल जाता है एक हुक भी। बाकी ये इसके फ्रंट लुक्स हैं, कैसे क्या लग रहे हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।